one coaching classes. In this video, we will learn about the structure of DNA in this second part of this video. Okay, so let's start. So, DNA was first discovered by Friedrich Miescher in year 1868 from Purcell. Now you know what is Purcell? Purcell are WBCs. From Purcell of discarded bandages. Okay. And he named the nucleic acid. Now nucleic acid is a term which we now know that. The first, the name was not nucleic acid. He suggested the name of that particle should be nucleic. What he suggested, he named that particle in year 1868, that substance, as a nucleic. And after the studies, we found that this nucleic is acidic in nature. So further alteration is done and the name was changed from nucleic to nucleic acid. And we know nucleic acid are of two types. The first one is DNA and another one is RNA. So here is DNA and RNA. I have taught you the monomer of DNA and RNA in the previous video. Okay. So now that let's talk how is DNA is made up of. DNA, as I told you, is made up of three things. The first one is nitrogenous bases, and the second one is PO4. देखिए, मैंने आपको यहाँ PO4 बता रहा हूँ. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फॉस्फोरिक एसिड होता है. कुछ ऑल्ट्रेशंस होती हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोजन कहाँ जाता है और PO4 कैसे बनता है, वो हमारे कोर्स से थोड़ा बाहर है. ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये बताऊँ कि PO4 कैसे आता है फॉस्फोरिक एसिड, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कैसे बनता है. लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक. ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस अगला है PO4 और थर्ड वन वाला होता है हमारा पेंटोज शुगर. ठीक है, ऐसा ही काम आरएनए के अंदर होता है. इसके अंदर क्या होता है, ये है डी डाइऑक्सी, मतलब ये पेंटोज शुगर है, ये वाली कौन सी हमारी डाइऑक्सी. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पार्ट 1 में. और इसके अंदर क्या होता है, ये होता है डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये होता है हमारा सिंपल राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, सो ये न्यूक्लिक एसिड दो तरीके होते हैं, हमने पढ़ा इनके बारे में, यहाँ भी होगा. ठीक है, डिस्कवरी सबसे पहले करी फ्रेडरिक मिशर ने ईयर 1868, किसमें से पस है, जो उतरी हुई बैंडेज जो पट्टियां वट्टियां होती है उसमें से इसने क्या निकाला, इन्होंने क्या पाया, एक नई चीज पाई, उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिक. और बाद में ऑल्टमैन ने जो नाम दिया था ना न्यूक्लिक एसिड, ये ऑल्टमैन ने दिया था, बाय ऑल्टमैन. ऑल्टमैन बहुत फेमस है, आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो ऑल्टमैन के बारे में पता चलेगा कौन से ऑल्टमैन थे. तो न्यूक्लिक एसिड टर्म भी इन्होंने किसने, ऑल्टमैन है, बिकॉज ये एसिडिक नेचर का. और हमको पता है डीएनए और आरएनए दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. ठीक है, डीएनए आरएनए बने किस चीज के होते हैं, होता है पेंटोज शुगर बनी होती है हमारे, उसमें एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसका PO4 पार्ट होता है, फिर ये होता है नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस भी दो तरीके होते हैं, आपको पिछली वीडियो में अच्छे से पता. तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. हमारी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डीएनए के मोनोमर्स क्या क्या होते हैं, अब इस वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स. और दोस मोनोमर्स हैं हमको क्या पता है, एक ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म जो हमेशा आई डिस्कस कर रहा हूं, आपको यही पहले खत्म करता हूं. पहली वाली हमारी न्यूक्लियोटाइड और एक है हमारी न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, एक है टाइड और एक है साइड. ठीक है, एक का आता है वर्ड टाइड, एक अंदर एक वर्ड आता है साइड, बाकी का सारा हमारा बिल्कुल सेम. न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या है, जो मैंने अपने हमेशा याद रखा था वो था न्यूक्लियोटाइड. टाइड मतलब कि टी मतलब कि तीन चीजें, 1 2 3. तो इसके दो चीजें होती है मिलके बनती है, वो होती है नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस
PO4, अगर ये तीनों चीजें हैं तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में, साइड के अंदर क्या होता है, देखिए नाइट्रोजनस बेस तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा हमारे पास पेंटोज शुगर, बट PO4 यहां पर नहीं होगा। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब तीनों की तीनों चीज है, और न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं क्यों इसमें क्या क्या कैसे कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। और एकदम हमेशा याद रखिए जो डीएनए होता है ना हमारा, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली बहुत सारे मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, उसमें पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, उसकी भी दो चेन होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे उस बात को, लेकिन क्लियर करते चलते हैं न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा डीएनए, उसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है। होता कैसे, ये गया हमारा इसके ऊपर एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा सी एच टू ओ एच यहाँ पर, और यहाँ पर होगा एक हमारा कार्बन, एक यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये वाली जगह पर क्या होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, और इस वाली जगह पर क्या होता है ये हट जाता है यहाँ से, और यहाँ पर क्या लगता है हमारा PO4 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है हमारा, देखिए पेंटोज शुगर है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पर हमारा लगा हुआ, और यहाँ पर क्या हमारा PO4। अभी आपको स्ट्रक्चर पूरा बताऊंगा बनता कैसे, लेकिन आपको डिजाइन मॉडल दिखाने के लिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसके लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कौन सी बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, बॉन्ड का क्या नाम होता है, वो आगे बताऊंगा। देखिए इसके अंदर क्या होगा हमारा न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ये हमारी पेंटोज शुगर, यहाँ पर लगता है हमारा फर्स्ट में नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ ये क्या होगा हमारा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन डीएनए। हमने मोनोमर पढ़े, तीन मोनोमर होते हैं, अब वो अरेंज कैसे होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, अब हम उसके बारे में पढ़े। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर मोनोमर्स बता भी देता हूँ यहाँ पर क्या क्या होते हैं, वो तीनों को मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहला आपको रट गया होगा, मेरे साथ साथ बोलना बिल्कुल वीडियो के साथ में। सबसे पहला होता है हमारा नाइट्रोजिनस बेस, सेकेंड पार्ट क्या होता है हमारा पेंटोज शुगर, और तीसरा वाला क्या होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास क्या आ गया है PO4। अब ये तीनों अरेंज कैसे होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, पढ़ रहे हैं इस वाली पार्ट। सबसे पहले हमारी आएगी पेंटोज शुगर, ये है हमारी पेंटोज शुगर, इसके यहां पर हमको पता ही है यहां पर ऑक्सीजन लगा हुआ होता है, ठीक है। अब पेंटोज शुगर के अंदर क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर हमारे क्या लगा हुआ है सी एच टू ओ एच यहाँ पर लगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया पेंटोज शुगर कैसे होता है, हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमको पता है दो तरीके के होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पाइरामिडीन, ठीक है। और ये बात हमको पता होनी चाहिए कि डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं और आरएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं। पहले हम बात करें प्यूरीन और पिरामिडीन की, प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन गुआनिन आलू गोभी, और ये क्या होते हैं सी यू टी कट, ठीक है। ये दो एडेनिन एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। साइटोसिन होता है कॉमन जो सबके अंदर होता है, यूरेसिल होता है आरएनए के अंदर, थाइमिन होता है डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर कैसे पहले अरेंजमेंट होता है, ए और जी ये गए हमारे दोनों, ये ना हमेशा प्यूरिन हमेशा अल्टरनेटली पिरामिडीन्स पर अटैच होते हैं, ठीक है। ए जी का यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएंगे ए और जी, और इनके पास क्या आएगा डबल बॉन्ड थायमिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये होता है डीएनए के अंदर अरेंजमेंट। ये डबल बॉन्ड बता रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल हो, इनको तोड़ना मुश्किल है, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। कभी अगर कहीं से हमें ब्रेक करना होगा डीएनए तो सबसे ज्यादा आसानी से हम यहाँ पर ब्रेक कर पाएंगे एडेनिन थायमिन वाले जगह पर, ठीक है। ये क्या है हमारे प्यूरिन और ये क्या हमारे पायरामिडीन, ये हमारे प्यूरिन ये हमारे पायरामिडीन, ठीक है। अगला आरएनए के अंदर क्या होता है, देखिए सॉरी डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन 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 के साथ क्या है हमारा साइटोसिन, जो कि सी फॉर कॉमन आ सकता है, कॉमन है दोनों साइटोसिन, लेकिन एडेनिन के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है यूरेसिल,
ये यूरेज से लाएगा, ये वाला यूरेज से, ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। एक बात और थी, मैंने आपको बताया कि यूरेज से ही होता है जो कि अनस्टेबल बनाता है हमारे आरएनए को, और ये थायमिन होता है जो कि ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे डीएनए, ठीक है। चलिए, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में पढ़ने पड़ रहे हैं पीओ फोर के बारे में। और हाँ, नाइट्रोजन स्पेस हमारे कहाँ आते हैं, फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन, या फिर ये यहाँ पर कार्बन है ना, ये इसके ऊपर क्या लगेगा हमारा नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट कार्बन पर अटैच होते हैं, और ये बॉन्डिंग फर्स्ट कार्बन वाली, फर्स्ट कार्बन प्लस नाइट्रोजिनस स्पेस, फर्स्ट कार्बन और की नाइट्रोजन स्पेस अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, एन, एन फॉर नाइट्रोजन। और आपको बताओ ग्लूकोज, ग्लाइकोसाइड, देखिए ग्लाइकोसाइड का वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर ग्लूकोज के लिए, मतलब कि ग्लूकोज मतलब कि कुछ शुगर हो करके, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग का होता है एन ग्लाइकोसाइडिक, बोलता है कोसाइडिक बोलते हैं, मैं सेडिक बोलता हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर, इसका कि OH होता है, क्या चलता है बाद में हट जाता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्बन में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये हमारा फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो ए टी जी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमारे फिफ्थ वाले कार्बन, फिफ्थ वाले कार्बन पर ये हमारा पी ओ फोर होता है, पी ओ एच, सॉरी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वाटर वाटर हमको पता है कैसे पड़ा, बहुत अच्छा वाटर, गुड लिविंग ग्रुप है, एच टू बाहर निकलता है, और क्या रहता है यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर हट गया, और क्या रह गया, वाटर निकलने के बाद ये बॉन्डिंग। तो देखिए फिफ्थ कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन प्लस PO4, यहां जो अटैचमेंट है इसका क्या नाम होगा, ये दो अटैचमेंट होते हैं यहां पर, एक आगे इसका नाम रखते हैं फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर ऐसा, क्योंकि अगर एक साथ अगर अगला भी होगा ना, ये जो होता है, देखिए अब यहां पर मैं इसको रफ करता हूं आसानी के लिए, ये एक हो गया, एक हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, अब जब अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा ना उसके लिए ये वाला जो है ना, ये वाला और ऐसे ही फिफ्थ कार्बन में दूसरे पर अटैच हो जाता है। वो आपको पूरी चेन बताऊंगा कैसे अटैच हो, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो कैसे बन रहा है वही देखिए। फिफ्थ वाले कार्बन पर, फिफ्थ वाले कार्बन पर PO4 आता है, फर्स्ट वाले कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस आता है, फिफ्थ वाले कार्बन पर PO4 आता है, बॉन्डिंग का नाम क्या है हमारा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फर्स्ट कार्बन आता है नाइट्रोजनस बेस, बस इससे ज्यादा हमारी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर एंड डीएनए, ये बहुत 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 बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा दिक्कत देगा आगे में पढ़ने में, इसलिए सारी डाउटों को यही क्लियर करना है। ये किसका यहां सिंबल दिख रहा है, मतलब पूरे का अरेंजमेंट है क्या है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए मैं आपको एक को समझाता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन, थर्ड पोजीशन ऑफ कार्बन, फोर्थ पोजीशन ऑफ कार्बन, दिस इज फिफ्थ पोजीशन ऑफ कार्बन। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पोजीशन पर क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस लगता है, ओके। और आपको बताया था फिफ्थ पोजीशन में क्या लगता है, PO4 यानी फॉस्फेट का ग्रुप, ठीक है। देखिए फर्स्ट पोजीशन मैंने हर जगह पर यहाँ पर लगा दिया एडेनिन, यहाँ पर लगा दिया गॉन, यहाँ पर लगा दिया थायमिन, अलग अलग हमने नाइट्रोजनस बेस के यहाँ पर यूज किया। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, सेकंड पोजीशन ऑफ कार्बन, थर्ड पोजीशन ऑफ कार्बन, अब थर्ड पर क्या हो रहा है, देखिए मैंने आपको बताया क्या कि फिफ्थ पोजीशन पर फॉस्फेट लगता है, उसका बॉन्ड का नाम क्या था, फॉस्फो, फॉस्फो डाइएस्टर, एस्टर के दो बॉन्ड बनेंगे, दो कहां कहां बनेंगे, देखिए एक बॉन्ड तो यहां पर बन गया मेरा फॉस्फो, ये रहा एक एस्टर बॉन्ड, तो यहां बन गया, यहां पर फिफ्थ पोजीशन इसकी, और यहां पर ये देखिए फिफ्थ पोजीशन इसकी, और ये फॉस्फेट पोजीशन, एक एस्टर बॉन्ड यहां पर और एक एस्टर बॉन्ड बनता है यहां पर, फॉस्फेट प्लस थर्ड पोजीशन, यानी कि हुआ क्या, फॉस्फेट है इस वाले की जो फिफ्थ पोजीशन है, इस कार्बन की फिफ्थ पोजीशन को बीच में फॉस्फेट आता है, थर्ड पोजीशन अब दूसरे वाले कार्बन की पोजीशन पर जोड़ दिया, देखिए यहां थर्ड पोजीशन, यहां फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन ऑफ कार्बन, और ये है दूसरे वाले उसकी थर्ड पोजीशन, हमारी यहाँ पर थर्ड पोजीशन है, और ऐसे करके किसी और चेन की क्या है हमारी फिफ्थ, बीच में फॉस्फेट लगता है और थर्ड और फिफ्थ को ज्वाइन करा देता है, यानी फाइव से बीच में लगा फॉस्फो एक एस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फो
डाई एस्टर बॉन्ड फिफ्थ से थर्ड में, ऐसी अगला इसकी आएगी फिफ्थ वाली कार्बन, और ऐसे दूसरे वाले का आएगा हमारा थर्ड वाला कार्बन, बीच में फिर क्या आएगा फॉस्फेट, फिर से ना 5 डैश से 3 डैश ऐसे जम करती है, तो ऐसे 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3, 5 से 3 ऐसे करते करते एक पूरी कंप्लीट चेन बन जाती है हमारे डीएनए के अंदर। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जब कभी चेन स्टार्ट होगी वो जो टर्मिनेटिंग होगी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, वो तो किसी चेन नहीं बनाएंगे, मतलब टर्मिनेट होगा उस पर क्या होगा, जो टर्मिनेटिंग होते हैं ऊपर उस पर एक रहता है 5 डैश का ऊपर रहता है 5 डैश, ये वाला देखिए PO4, और जो नीचे वाला होता है थर्ड 3 डैश उस वाले पे क्या होता है, इसका तो किसी ने फॉस्फेट ग्रुप लग के थर्ड वाले कार्बन को फिफ्थ वाले कार्बन में ज्वाइन किया ही नहीं, क्योंकि इसे लास्ट में इसको कोई ज्वाइन तो करेगा नहीं, तो लास्ट वाले पे क्योंकि फ्री होता है इसका कोई जुड़ा नहीं होता फॉस्फेट फॉस्फेट, तो इसको बोलते हैं 3 डैश OH, और ऊपर वाले हमारे क्या देख रहे हैं हम 5 डैश पर क्या है PO4, मतलब फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने क्या समझा, अगर ये हमारी न्यूक्लियोटाइड की कोई चेन है, नीचे वाले का अगर 3 डैश है और ऊपर वाले 3 डैश मतलब 5 डैश मतलब कार्बन की पोजीशन, और यहाँ पर है मेरा 5 डैश, यहाँ पर मेरे पास क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा OH ग्रुप होगा, ठीक है। ये होता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर, बीच में ऐसे करके बहुत सारे होंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा ऐसे करते 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 करते, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेटिंग इस तरह होगा 3 डैश OH और यहाँ पर होगा 5 डैश पर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखिए समझने वाली बात क्या है, अगर कभी भी कोई और न्यूक्लियोटाइड आके जोड़ना चाहेगा ना, तो क्या वो यहाँ जुड़ेगा या फिर वो यहाँ जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर ना कभी जुड़ने की उसमें जगह होती ही नहीं है, तो हमेशा जो फ्री न्यूक्लियोटाइड आता है ना वो ऑलवेज प्लस जो होगा एंटी मतलब न्यूक्लियोटाइड, जो फ्री न्यूक्लियोटाइड अगला आएगा ना वो हमेशा 3 डैश एड कर ही जुड़ेगा, ठीक है, और फिर उसकी 3 डैश साइड खाली रह जाएगी वो नीचे दिखा देगा उसके 3 डैश ऐसे कर। मैंने आपको पूरा अच्छे से अग्रीमेंट बताया कि कौन किस बात अटैच होता है, इतना आपको कभी सीरियस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैसे कैसे होता है बस अब इसको याद रखिए, आपको हर चीज क्लियर हो, ओके। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, साइलेंट फीचर नमक आने वाले फीचर। चलिए तो क्या है, पहला वाला है हमारा बैकबोन, मतलब जो हमारे डीएनए होता है ना उसको क्या होता है हमको पता है, वो होता है पॉली न्यूक्लियो टाइड चेन होती है, वो भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ठीक है। देखिए बैकबोन का मतलब क्या है कि जो उसकी बैकबोन होती है, हमने देखा था क्या होता है यहाँ पर लगा हमारा ये और उसके साथ लगा यहाँ पर फॉस्फेट और यहाँ लगा हमारा नाइट्रोजनस बेस, तो जो बैकबोन होती है जिस पर डीएनए स्टैंड करता है, देखिए एक बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी इस पर खड़ा हुआ और साथ में कुछ ये लगी रहती है, देखिए जैसे देखिए एक एक इंसान है ना, एक बैकबोन है साथ में उसके यहाँ पर हाथ है, ये उसके पैर है, ये उसका हेड है, तो बैकबोन क्या है ये, देखिए इसके ऊपर तो सारी चीजें लगी हुई, सारा सतह से ऊपर अरेंज है, तो ऐसे ही डीएनए की बैकबोन क्या होती है, डीएनए की बैकबोन होती है शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन होती है हमारे डीएनए के अंदर, किसकी शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन का कोई नाम नहीं आता, बात करें डायरेक्शन, डायरेक्शन डीएनए किस डायरेक्शन में चल रहा होता है, देखिए डीएनए के अंदर ना जो डीएनए होता है हमारे होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है हमको पता है डीएनए स्टार्ट और एंड कहां पर होता है 5 डैश और 3 डैश पर, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, तो देखिए क्या होगा एक डायरेक्शन जा रही होती है 3 डैश यानी 5 डैश कार्बन से 5 डैश कार्बन पर 3 से 5, और एक जानी होती है 5 डैश से 3 डैश, मतलब कि अगर यहां पर 3 डैश है एक यूं जा रहा है, हमने लिखा ना दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन यूं जा रही है और एक कैसे जा रही होगी यहां पर इसका 5 डैश है, दूसरी वाली कैसे जा रही होगी ऐसे करके यहां पर इसका 5 डैश है और यहां पर इसका 3 डैश है, तो ऐसे करके अरेंजमेंट होता है किसका डीएनए की। अगली वाली बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के आपको आगे बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है जैसे नाइट्रोजनस बेस होता है उसके अंदर क्या होता है प्यूरीन का कॉम्प्लीमेंट्री पाइरिमिडीन अटैचमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि एडेनिन गुआनिन ये दोनों क्या है प्यूरीन, यहां पर क्या होगा एडेनिन थाइमिन गुआनिन एटीजीसी साइटोसिन, ठीक है, मैंने क्या कहता है एटीजीसी का ज्यादा था होता है एटीजीसी एटीजीसी ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, और अगर यहाँ पर दूसरा अगर इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए केस में क्या होता है साइटोसिन होता है लेकिन थायमिन ना होके यहाँ पर क्या होता है यूरेसिल एडेनिन ए डबल बॉन्ड जी ट्रिपल बॉन्ड एटीपी नहीं होके क्या होगा यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर जी के साथ क्या आएगा साइटोसिन,
ये होता है आरएनए के इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब बात आती है राइट हैंडेड, ये ना ज्यादा ना मतलब एफर्ट्स नहीं बताया जाता इसको बताने में, इस क्लास में ना हमको ना कम्प्लीटली बताया नहीं जाता है कि डीएनए होता क्या और भी कैसी वेरिएशंस मिलती हैं। लेकिन आपको बताता हूँ होता क्या। देखिए राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड का दो मतलब होते हैं। राइट हैंडेड होता है अपने थंब को ऐसे रखिए, अगर अपने थंब को ऐसे रखा हो तो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड में जो मेरी उंगली है, जो मेरी फिंगर है, जो कर्ल कर रही है ना, तो डीएनए कैसे कर्ल करता है हमारा, अगर मेरी ये तो ऐसे ऐसे राइट हैंडेड फैशन का कर्ल करा हुआ होता है, ठीक है। और एक और वेरिएशन होती है, मैं बताऊंगी ना, इसको ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड होती है, पर वो कैसे होती है आपको समझ ही रहोगे कैसे होती है, ठीक है। राइट हैंड फैशन मतलब क्या है कि अगर ये मेरा थंब है, मान लीजिए मेरा नेल है, ये मेरी फिंगर्स हैं, ऐसे ऐसी हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो ऐसे राइट हैंड, यानी कि ऐसे 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 डीएनए वाला ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मिल जाता है राइट हैंड, ठीक। एक और जो बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है हमारा वो होता है पिच ऑफ अ डीएनए। अभी हम बात करते हैं पिच क्या होती है डीएनए। जो वॉटसन और क्रिक जिन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए का मॉडल, उन्होंने जो बताया था वॉटसन और क्रिक, ओके, उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए का मॉडल होता है उसका जो डायमीटर जो उनका वाला था, उसको डीएनए भी कहते हैं वैसे, जो उनका वाला मॉडल, उन्होंने बताया था कि डीएनए की जो डायमीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। हमको पता है एंगस्ट्रॉम क्या होती है, 10^-10 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम, और देखिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एक स्टेयर की ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके एक स्टेयर है, डीएनए ऐसा ही होता है, आपको एक प्लेन दिख रहा होगा, लेकिन 3D में कहते हैं टर्न्ड ऐसे करके, ठीक है। तो होता क्या है, अगर एक स्टेयर केस है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं एक जगह पर खड़ा हूँ इस जगह पर, और अगर मैं इस केस घूमता हूँ बिल्कुल ऐसे घूमकर, अगर मैं बिल्कुल अपनी सीधी पोजिशन जहाँ पर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अभी घूमने के बाद कम्प्लीटली वापस उसी पोजीशन पर, मतलब एक फ्लोर ऊपर देखता हूँ, तो यानी उसको हम बोलेंगे कंप्लीट टर्न। तो एक कंप्लीट टर्न लगाने में डीएनए कितना डिग्री घूमता है, कितना डिग्री रोटेशन होती है उसका, वो क्या होता है हमारा 34 एंगस्ट्रॉम। एक कंप्लीट टर्न के अंदर कितना डिग्री का घूमता है वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक कंप्लीट टर्न लगाने के अंदर, तो वन कंप्लीट टर्न, वन टर्न के अंदर उस कितने बेस पे हमको मिलेंगे बेसिस, बेसिस मतलब क्या हुई, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एडेनिन है, यहाँ पर एटी जी सी कुछ भी होता है, एटी टी 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 सी ए जी जी ऐसे कर कुछ भी इसके ऑल्टरनेट लगा दिया, ऑल्टरनेट, तो ये जो बेस पे हमको मिले ना, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पे, ये कितने हमको मिलेंगे, तो एक कंप्लीट टर्न लगाने में हमको 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पे मिलते हैं, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। तो हमने क्या पाया, एक एक इसके अंदर और इसके अंदर, फिर कितना डिफरेंस हुआ, 3.4 एंगस्ट्रॉम। मैं आपको दोबारा बताता हूँ हुआ क्या, एक डीएनए पूरा स्टेट खड़ा हुआ है, तो पूरे से टर्न है, 3D फॉर्म में ऐसे पूरा कर्ल है, पूरा कर्ल, यानी आपको देखना चाहिए तो ये चीज ना ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ है, शेडेड आएगी थोड़ा पीछे की तरफ, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एक कंप्लीट टर्न, यानी इस जगह से मैं पूरा घूम कर अगर ऊपर आता हूँ, यहाँ पर घूम, इस जगह पर यहाँ पर खड़ा है बच्चा, वो पूरा घूम कर अगर जब आता है उसी जगह पर, तो ये हमने क्या पाया, पूरे कंप्लीट टर्न। अगर आप स्टेयर पर खड़े हैं और आप घूमते हैं पूरा ऊपर जाते हैं, और अपने दोस्त को कहते हैं ऊपर जाओ मेरे, वो पूरा घूम कर जब ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट टर्न। उस एक कंप्लीट टर्न के अंदर डीएनए कितना रोटेट हो रहा होता है हमारा, 34 एंगस्ट्रॉम का, और उस एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं, तो हर बेस पेयर के अंदर कितना एंगल पे डिफरेंस होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। थैंक यू।